अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से अहमदपुर टीडीएम टूर्नामेंट में। मैं आपका स्वागत करता हूँ, ये दोनों टीम का स्वागत करता हूँ, जोशीली सोल और फाइटर नेक्सस का। देखना होगा आज इस टूर्नामेंट का कौन निकाल ले जाता है, कौन अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। और इस तरह से मैच हो चुकी है, चालू। सुनील आगे बढ़ चुके हैं, देखना होगा आगे क्या होता है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अयान ने सुनील को कर दिया है ख़त्म वाया रेड डॉट। हातिम के पास चलते हैं। हातिम यहाँ पे शायद नेट की वजह से अटक चुके हैं, बिकॉज ऑफ हाई पिंग। हातिम स्टक हियर, नेट का काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, पिंग का थोड़ा सा हातिम को प्रॉब्लम है। क्यों तो आज ये आउट ऑफ है, उन्होंने फ़ोन पे पहले बताया था कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ हूँ। और जी हाँ, उसी वजह से यहाँ पे ये बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हैं। चलते हैं अदनान की तरफ। अदनान स्लाइड डाउन करके आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन अदनान को सोलायन ने काफ़ी बढ़िया ड्रॉप शॉट के साथ यहाँ पे ख़त्म किया है। चलते हैं अयान की तरफ, फिर से इन्होंने ड्रॉप शॉट लिया, लेकिन इतनी हेल्थ लो थी कि एलेक्स कैरी ने बहुत ही प्यारे तरीके से अयान को कर दिया है ख़त्म। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ यहाँ पे सोल की टीम जाती हुई, 31-17 का स्कोर यहाँ पर मौजूद है। सोल आफरीद आगे बढ़ रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। ये देखिए, एक शेर के जैसा गुच्छे में घुस कर उन्होंने दो प्लेयरों को ख़त्म किया, और ये तीसरे को भी आए थे ख़त्म कर देंगे। ये तीसरे के पीछे गए थे, जी हाँ, इन्होंने तीसरे ख़त्म किया, और बहुत ही बढ़िया तरीके से रिफ्लेक्शन के साथ इन्होंने ड्रॉप शॉट ली, लेकिन रज़िया गुंडों में फंस गई थी और वहाँ पर वो हो गए हैं ख़त्म। 36-19, मुझे नहीं लगता कि सोल अब यहाँ से पीछे आ सकती है। नेक्सस को ये पहली मैच हारनी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। सोल आफरीद फिर से आगे बढ़ते हुए, सामने मौजूद एलेक्स कैरी। क्या एलेक्स कैरी सोल को ख़त्म करेंगे? बहुत ही लो एचपी के साथ एलेक्स को ख़त्म कर दिया सोल आफरीद ने, वो ही एचपी लेके ये आगे बढ़ते हुए, क्योंकि तो इन्हें मालूम है कि ये अब पूरी तरीके से जीत चुके हैं। जी हाँ, और इसी के साथ रिजल्ट, जैसा कि मैंने कहा है कि दो प्लेयरों को नेक्सस ने बिकॉज ऑफ नेट खो दिया था। स्कोर हो चुका है सोल 1 नेक्सस 0। देखना है अगली मैच में क्या होता है। और यहाँ पे अगली मैच शुरू हो चुकी है, और नेक्सस ने अपने दो प्लेयरों को वापस बुला लिया है। क्यों? तो उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इस वजह से वो दो प्लेयर पहले मैच में मौजूद नहीं थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन ले जाता है
इस टूर्नामेंट को। काफ़ी बढ़िया, सोल जाती हुई काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से जा रहे हैं, लेकिन अब सामने मौजूद हैं गुरजीत सिंह। काफ़ी बढ़िया, पहला स्क्वाड रखने किल चुराया, लेकिन वहाँ पे भी गुरजीत सिंह ने पहला किल चुराया। सोल 3-2 के ज़रिए आगे चलती हुई। चलते हैं नेक्स्ट प्लेयर की तरफ, चलते हैं डैट की तरफ, एलेक्स की तरफ। डैट तब तक ख़त्म हो चुके थे, एलेक्स भी काफ़ी बढ़िया जाते हुए। हातिम का नेट काफ़ी परेशान कर रहा था, इसलिए ने हातिम ने बैकअप लिया है और यहाँ पे आए हैं उनके जगह पे सुनील। काफ़ी बढ़िया तरीके से रेड डॉट के जरिए उन्होंने लिया किल, 5-4 के जरिए नेक्सस निकल चुकी है आगे, लेकिन स्कर्ट ने वापस अपनी टीम को लाया बैक और ये आ चुके हैं आगे। स्कोर आप देख सकते हैं, कैरी ने 2 किल किए, गुरजीत ने 2, डैड ने 1 और नेक्सस सुनील ने 1, जबकि यहाँ पे स्क्रालेट ने 1, बाकी सब ने 1 और अयान ने किए हैं 0 किल। 9-5 यहाँ पे कंपटीशन टफ होता हुआ, 9-5 के ज़रिए यहाँ पे टीमें जाती हुई। स्क्रालेट की और गुरजीत की सिंह के टक्कर में देखना है कौन निकलता है आगे। गुरजीत सिंह निकल चुके हैं आगे, चलते हैं मिनट्री डैट की तरफ। मिनट्री डैट के सामने अफरीद हैं और उधर हैं अयान। विदाउट मिस इन्होंने अयान को मारा, लेकिन आमिर ने मिनट्री डैट को ख़त्म किया बहुत ही बढ़िया तरीके से। चलते हैं सुनील की तरफ, सुनील टीपी पे लेके बैठे हुए, लेकिन सामने मौजूद थे अयान, उन्होंने उन्हें कर दिया है ख़त्म। नेक्स्ट सुनील की तरफ चलते हैं, टीपीपी का गेम यहाँ पे फिलहाल चालू है। सुनील पीछे से टीपीपी लेके बैठे हैं, सामने अफरीद मौजूद हैं। चलते हैं स्क्रालेट की तरफ, बहुत ही प्यारा तरीके से स्क्रालेट ने यहाँ पे ख़त्म किया एक बंदे को। डैड ने अफरीद को ख़त्म किया। ओह माय गॉड, ये इनके झुंड में घुस चुके हैं क्या? कैरी को ये स्कॉट ख़त्म करने में कामयाब रहेंगे? गुरजीत सिंह ने आमिर को ख़त्म किया, बहुत ही बढ़िया फाइट। एक शॉट बैठ चुकी है स्क्रालेट को कैरी की, देखना दिलचस्प होगा क्या ये कैरी जीतते हैं या फिर स्कॉट निकल जाएंगे। हेल्थ रिकवर होती हुई, लेकिन स्क्रालेट ने कैरी को कर दिया है ख़त्म। चलते हैं आफरीद की तरफ, सोल टीम यहाँ पे 16-18, काफ़ी बढ़िया है ये लोग जाते हुए। सोल टीम की प्लस पॉइंट है स्नैपिंग, लेकिन आज नेक्सस इन्हें 4-5 के स्कोर से पीछे छोड़ती हुई, 6 के स्कोर से पीछे छोड़ती हुई। चलते हैं डैट की तरफ, 2 का स्कोप लगा के बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे जाते हुए। ये बस स्कोप, ओह माय गॉड, 1 साथ 2 प्लेयर ख़त्म। पर ही आफरीद ने लिया हो सामने से बेनिफिट। 18-24 यहाँ पे सोल को कवर करना होगा, सोल यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आ चुके हैं, सोल को यहाँ पे कवर करना ज़रूरी है। एलेक्स कैरी पीछे से अपनी टीम को बैकअप देते हुए, लेकिन उनको भी एक पड़ी है और वो ख़त्म हो जाएंगे। चलते हैं आफरीद की तरफ, 4 किल के साथ आफरीद आगे बढ़ते हुए, सामने मौजूद गुरजीत सिंह, लेकिन उन्होंने गुरजीत सिंह नहीं, उन्हें ख़त्म किया। सुनील सिर्फ और सिर्फ 2 किल के साथ आगे बढ़ते हुए, 27-22 का स्कोर, 23-27 का स्कोर। क्या यहाँ पे सोल बैकअप में आ सकेगी? आई डोंट थिंक सो कि सोल अब आ सकती है, लेकिन अगर थोड़ा सा सूझबूझ के साथ सोल जाती है तो शायद सोल वापस आएगी। गुरजीत सिंह, और गुरजीत सिंह का आप देख सकते हैं 1.5 का केडी है, जबकि मिन्नती डैट का 1.3 का केडी है और एलेक्स कैरी का 1 का केडी है और सुनील पाजी का 0.5 का केडी है। उसी तरीके से हम आमिर के पास चलते हैं, आमिर का 0.7 का केडी है, जबकि स्कारलेट का यहाँ पे 1.5 का केडी। 3-5 यहाँ से अब थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल होगी सोल को कवर करने के लिए, क्योंकि तो काफ़ी आगे ये लोग निकल चुके हैं, सिर्फ 5 किल अपने जीत से दूर हैं। यहाँ पे पक चुकी है खिचड़ी। मैं आपको लिए चलता हूँ ओवरव्यू में, देखना होगा ओवरव्यू में। 28-36 यहाँ पे मिले थे, 29-36। थोड़ा सा अगर ये लोग कवर करने में कामयाब रहेंगे तो मुझे लगता है कि कुछ बात बन सकती है। थोड़ा सा डैमेज एंड डैड, लेकिन क्या करे भाई, यहाँ पे आ चुके थे 1 मैन आर्मी और उन्होंने 21 किल के साथ अपनी टीम को जिता दिया है। 10 स्कारलेट, बाकी 7-7-7।
इनकी कंसिस्टेंसी उस परफॉर्मेंस रही, लेकिन यहाँ पे गुरजीत सिंह जरिए आधे से ज़्यादा टीम को अकेले बंदे ने कर दिया है ख़त्म। मिलते हैं।